ने वादा किया है कि सत्ता में आए तो सैनिकों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह का कानून हटा देंगे। साथियों, सैनिकों के मान सम्मान के लिए हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए इन लोगों के मन में कोई भावना नहीं है। दशकों से हमारे देश में सेना के जवान मांग कर रहे थे कि आजाद हिंदुस्तान में बलिदान देने वाले वीर सपूतों के सम्मान में एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। हमारे देश के पुलिस के जवान जो सामान्य मानवीय की सेवा में लगे रहते हैं, ये हमारे पुलिस के जवान गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, खड़े मिलते हैं। राखी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दिवाली हो, वो सड़क पे खड़े रह करके आपकी हिफाजत करते खड़े रहते हैं। और आप जान करके हैरान होंगे भाइयों, देश आजाद होने के बाद पुलिस की छवि लोगों ने जो बनाई होगी मैं उनके प्रति बड़ा आदर करता हूं। आजाद हिंदुस्तान में 33,000 पुलिस सामान्य मानवीय की सेवा करते करते शहीद हुए हैं, 33,000। ये पुलिस वाले कह रहे थे कि नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। भाइयों बहनों, 70 साल परिवार के लिए तो भांति भांति के मेमोरियल बने, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले सेना के जवानों का सम्मान करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना, पुलिस के जवानों के लिए मेमोरियल नहीं बना। ये चौकीदार जब आया, ये सौभाग्य भी इस चौकीदार को मिला और हमने दिल्ली में बना दिया। और मैं ग्वालियर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कहूंगा, जब भी दिल्ली का जाने का मौका मिले, जरूर इन दो तीर्थ क्षेत्रों पे जाके सर झुका के आना। दोस्तों, वो मरे हैं हमारे लिए, वो जिए हैं हमारे लिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्या देश के किसान को, देश के जवान को धोखा देने वाली कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस के कमजोर रवैये से अलग भाजपा नए हिंदुस्तान के लिए नई रीति और नई नीति पर काम कर रही है। किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नए हिंदुस्तान की नीति है, हम घर में घुसकर मारेंगे। भाइयों और बहनों, बलिदानी और पानी बुंदेलखंड की कहानी की दो दूरियां हैं। यहां बलिदानियों की कमी नहीं है, लेकिन पानी के लिए बहुत संघर्ष भी रहा है। भाजपा सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। कांग्रेस ने जिन 14 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अधर में लटका दिया था, उनमें से 10 को हम पूरा कर चुके हैं। आने वाले 5 वर्षों में पानी के लिए हम समर्पित भाव से काम करने वाले हैं।
अलग से एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर आधुनिक तकनीक से पानी को बचाने और नदियों और समंदर से पानी देश के कोने कोने में कैसे उपयोगी हो इसके लिए व्यापक रूप से काम करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष माताओं बहनों को धुएं से, खुले में शौच से और अंधेरे से मुक्ति दिलाने के हमने बहुत कुछ किया। आने वाले 5 वर्ष माताओं बहनों के पानी के संघर्ष को खत्म करने के लिए समर्पित करना मैंने तय किया है। साथियों, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इस बार पिछली बार से भी ज्यादा शक्ति से कमल खिलाना है, बूथ बूथ पर कमल खिलाना है। आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिर इस बार मैं आभार व्यक्त करने के लिए नगर के हमारे जिलाध्यक्ष देवेश जी से आग्रह करना चाहता हूं, वो आभार व्यक्त करें। अध्यक्षता, हम बोल दे देवेश जी अध्यक्षता।